हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं फेशियल, और फेशियल जो है वो हर मंथ करते रहना चाहिए, इससे स्किन भी अच्छी बनी रहती है। और पर्सनली मैंने भी काफ़ी टाइम से फेशियल नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं फेशियल भी कर लेती हूँ और इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो चलिए हम लोग आज करेंगे फेशियल, और इस फेशियल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का ये गोल्ड फेशियल किट। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कि मैं घर पर किस तरह से फेशियल करती हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्री फेशियल क्लेंजर कम टोनर, और इसमें इस तरह के हर स्टेप के पाउचेस हैं जिसमें आपको बहुत इजी हो जाता है फेशियल करना। स्टेप बाय स्टेप हर पाउच पर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सा स्टेप कब करना है। तो फर्स्ट स्टेप में है क्लेंजर कम टोनर, और इसे हमें अपने फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई करना है, और 2 से 3 मिनट हम इसके थ्रू मसाज करेंगे, देन हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। दो से तीन मिनट मसाज करने के बाद हम अपने फेस को गीले कॉटन से या फिर वेट वाइप से क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। देन इसका सेकेंड स्टेप है गोल्ड स्क्रब, जिसमें है टर्मरिक एंड गोल्ड लीफ। तो इससे भी हमें 5 मिनट तक धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस पर स्क्रब कर लेना है। स्क्रबिंग से जितनी भी डेड स्किन है और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जितने भी हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। पाँच मिनट तक मसाज करने के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसका जो इफ़ेक्ट है वो खुद देख सकते हैं। देन इसका थर्ड स्टेप है गोल्ड जेल, जिसमें है गॉलनट एंड गोल्ड लीफ। तो इसे हमें अपने फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई करना है, और हमें तब तक मसाज करना है जब तक ये पूरी तरह से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो हम लोग इससे मसाज कर लेंगे, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप उस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं। जो जेल है वो स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है, और अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ स्टेप, जो कि है गोल्ड क्रीम, और इसमें है विटाजर्म एंड गोल्ड ऑक्साइड। तो इससे भी हमें अपने फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई करना है, और इससे भी हमें तब तक मसाज करना है जब तक ये जो क्रीम है वो पूरी तरह से हमारे स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। तो जिस तरह से हमने जेल से मसाज किया है, उसी तरह से हमें इस क्रीम से भी मसाज करना है। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और इनका जो स्मेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग इससे धीरे धीरे तब तक मसाज करेंगे जब तक ये पूरी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाएगा। तो जो क्रीम है वो स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है, और अब हम आते हैं इसके फिफ्थ स्टेप पर, जो कि है गोल्ड पिल ऑफ मास्क, और इसमें है लेमन पिल एंड गोल्ड ऑक्साइड। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक है, तो हम लोग इसे अपने फिंगर्स पर लेकर इवनली अपने फेस पर स्प्रेड करते हुए एक थिक लेयर इसकी अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस पर। जिस तरह से आप फेस मास्क अप्लाई करते हो उसी तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। तो हम लोग इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे, और हमें जो आई एरिया है उस पर इसे अप्लाई नहीं करना है। पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद हम लोग इसे ड्राई होने देंगे, और हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अदरवाइज़ ये अच्छी तरह से पिल ऑफ नहीं हो पाएगा। सो अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और अब हम लोग इसे पिल ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसे आपको नीचे से ऊपर की तरफ पिल ऑफ करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और जब ये पिल ऑफ हो जाएगा तब हम लोग नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेंगे।
सो मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब हम लोग आते हैं इसके सिक्स्थ स्टेप पर, जो कि है पोस्ट फेशियल, और ये इसका लास्ट स्टेप है। और ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल, और इसमें है SPF 15 विथ एलोवेरा। ये एक मॉइस्चराइजिंग जेल है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, तो हमें इसे इवनली अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो हम लोग इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे, और ये जो फेशियल है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और आप इसका जो इफ़ेक्ट है वो खुद मेरे फेस पर देख सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा फेशियल, और जो ग्लो है वो आप लोग क्लियरली देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है। और फेशियल का जो ग्लो है वो एक दो दिन में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा फेशियल के बाद जो मेरी स्किन है वो। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।